देख रहे हो 125 से 100 तो देख रहे हो भाई लोग कहाँ का 100 पगला चौदह मासूक का गाना पता जो कि बहुत ही ज्यादा दारू पिए हुए रहते हैं। पहले तो हमको सुनाते हैं, फिर गाना सुना के हंसाते हैं। तो यार कैसे हैं आप लोग, आई होप यू गाइस सबसे भी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हनी मंडल एंड अनदर वीडियो। सो गाइस जैसे कि आप लोग को पता है आज है सैटरडे और आज अपन जा रहे हैं एक छोटा सा राइड में फरस गांव में। फिर फरस गांव में जो है गाइस अपना लोमांसु ब्लॉग्स हेरा और NS30 राइडर आ चुका है और अपने साथ गाइस आज ना Z800 है ना कुछ सुपर बाइक नहीं है, एक NS125 390 बस वही बाइक है। सो गाइस अभी तो अपन जा रहे हैं केसकाल में घाटी के नीचे लोमांसु भाई के किसी के फ्रेंड से मिलने। तो गाइस चलते हैं वहाँ पे, फुल मचाते हैं। और अपना गोप्रो राजू भाई को दिया है, तो राजू भाई का हेलमेट में लगा हुआ है मेरा गोप्रो। सो गाइस ये रही हाईवे और गर्मी तो गाइस इतना था घर में पूछो मत, गर्मी में हमारी फटी पड़ी थी, लेकिन राइड में जब निकलते तो अपना फटना वटना सब दूर हो जाता है क्योंकि राइड के जो मज़े हैं वो गर्मी से दूर नहीं हो सकता, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन जितना भी गर्मी होगा इस अपन राइड करते हैं क्योंकि राइड के बीच में गर्मी जितना भी लगे लेकिन अपने को गर्मी एहसास होने नहीं देता राइड, इसलिए। सो गाइस चलो मिलते हैं सीधा मोटर व्लॉगिंग सेटअप पर और चलते हैं, चलो। सो गाइस आज ज़्यादा भगाएंगे नहीं क्योंकि 125 और 390 कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं है। और ये लोमांसु भाई फुल मचाते हुए जा रहा है एकदम 390 में। और इस बाइक में जो है गाइस पूरा अपन लोग साइलेंसर जो नहीं आता है कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट उसको अपन खोल दिए, आधा खोखला हो चुका है इसका साइलेंसर, इसलिए गाइस इतना बंग बुंग वाला फाड़ रहा है फटा हुआ साउंड। वैसे आप लोग गाइस सामने के व्यू के एंजॉय करो, इतना गर्मी है ना गाइस कि देखो एक रोड में चीटी तक नहीं है, कार वार चल रहे हो भी मुश्किल से। और भाई अभी जस्ट बोला कि 80-90 की स्पीड में चलना, देखो 90 में तो मैं खुद चला रहा हूँ, वो 110-10 लगा रहा है। मैं NS में बैठा हुआ है मेरे साथ अपना मोटा भाई जो है 80 किलो का तो होगा ही अपना मोटा भाई, फिर भी अपन NS पे 106 लगा दे रहे हैं गाइस। अभी तो 98 में आके लग गया है इसकी बाइक की, फट गई है बाइक की पूरी ऐसे। और अपन 200 इसलिए नहीं निकाल रही अपनी NS को क्योंकि यार उसका टायर जो है डेड है, तो उसको बहुत जल्द अपन 15 अगस्त से पहले पूरा बना लेते हैं। उसके बाद 15 अगस्त को एक से एक जगह राइड में जाने का रहता है ना अपने को ग्रुप राइड में, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम सबसे ज़्यादा बेहतरीन राइड करते हैं। हमें तो कोई टेंशन नहीं यार अपने में, देखो पूरा फुल गाड़ी दिख रहा है, पूरा फुल है अपने में, पेट्रोल नहीं है, चलो डला लो अपने में, देख रहे हो गाइस पूरा फुल है, फुल फुल एक भी कम नहीं रहता, क्योंकि अपन जब भी राइड में निकलते पूरा फुल करा के निकलते पहले से। क्या ही सेक्सी लगती है ना गाइस, कुछ उठ पतंग हरकतें करना राजीव, ये क्या है। हाँ देख रहे हो 125 में 108 8-10-10 लग जा रहा है भाई, फिर भी फटी पड़ी है इसका। अरे अपने दोनों यूट्यूबर भाई राजीव तो भाई कंटेंट बनाने में लगा हुआ है, हम लोग सोचते रह जाते हैं और वो खाली बनाते रहता है, दिन में दो दो कंटेंट दे रहा है और एक हमसे एक कंटेंट बनाया नहीं जा रहा है। अब ये बोलते हैं ना गाइस रातों रात किस्मत बदल जाता है, वही सीन था तुम्हारे भाई का, क्योंकि हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जो गाइस रातों रात देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर 10 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गया और उसी से जो है गाइस पूरा सब्सक्राइबर्स आ चुके थे 18,000 और पहले से 11,000 कुछ था मेरे चैनल में सब्सक्राइबर्स। अभी जो है अपन केसकाल में पहुंच चुके हैं और रास्ते में हम लोग को मिल गया था अपना दोस्त दिवाकर भाई। सो अभी जो है सब एकदम आराम से जा रहे हैं, केसकाल तो पहुंच ही चुके हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं अपना डेस्टिनेशन जहाँ तक अपन जाने वाले हैं। और लोमांसु भाई को लग रहा था गाइस बहुत गर्मी, इसलिए अपना लोमांसु भाई हेलमेट वगैरह पूरा उतार दिया है, मतलब व्लॉगिंग वगैरह करना नहीं है उसके लिए, गर्मी मैटर करता है भाई के लिए अपना बहुत। यहाँ से जो है घाटी शायद अराउंड 2 किलोमीटर होगा गाइस, तो घाटी में चल के आप लोग आज का घाटी का व्यू चेक कराते हैं। सो गाइस यार फाइनली अभी अपन पहुँच चुके हैं केसकाल घाटी में और यहाँ पे देख रहे हो गाइस आप लोग देख ही सकते पूरा यार ट्रक वगैरह रुका हुआ है, क्यों, क्योंकि केसकाल घाटी आज जाम है, लेकिन किस लिए जाम है ये हमको नहीं पता, आगे जाके गाइस पता चलेगा कि घाटी किस लिए जाम है, क्या हो गया है पूरा घाटी में, कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं पलट गया, अब कुछ भी हो सकता है गाइस वो तो अब आगे जाके पता चलेगा, इसलिए आप लोग यार वीडियो के एंड तक बने रहना, पूरा सीन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और एक तो गर्मी और इतना धूल उड़ रहा है और यहाँ पे जाम में हम फंसे हुए हैं, लेकिन कोशिश करते हैं अपन छोटे छोटे गैप से निकलने की। अभी शायद घाटी छोड़े क्योंकि ट्रक वगैरह निकालना चालू हुए हैं।
देख रहे हो गाइस यहाँ से व्यू चेक करो आप लोग, क्या ही मस्त व्यू आ रही है ना ऊपर से पूरा नीचे का। और यहाँ पे सर जी लोग पूरा काम कर रहे हैं अपना, लेकिन एग्जैक्ट अभी तक हमको पता नहीं चल रहा है। दो मोड़ अपन क्रॉस कर लिए कि घाटी जाम किस लिए है, तो चलते हैं अब आगे की ओर। ओए 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 ओए, देख के खोला कर यार दरवाज़ा भाई, एक तो छोटा छोटा गैप से निकलना पड़ रहा है, तो भर दो गाड़ी को। ओए 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 ओए, अरे भाई रुक जा, निकलने तो दे दे हमें। ऐसा लगता है सांप बना दूं भाई यहाँ पे, पूरी सांप, ये लहरा चुनारी है, लहरा लहरा। सैटरडे राइड के मजे ही अलग है, लोग करते होंगे संडे राइड लेकिन अपन करते हैं सैटरडे राइड। तो फाइनली यार अपन पहुंच चुके हैं बहुत मेहनत के बाद, मतलब बहुत गर्मी सहन करने के बाद, धूल खाने के बाद, घाटी में जाम में फंसने के बाद इस जगह पे। यहाँ से जाओगे तो सीधा केसकाल से पहले जो घाटी आता है वही मिलेगा आपको, केसकाल की घाटी। और यहाँ पे अपने भाई लोग वहाँ पे कोने खोपचे में क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे अपनी बाइक और यार फोन भी देखो टूटा फूटा, चार्ज भी नहीं हो रहा है, वायरलेस चार्जर है करके चार्ज हो रहा है। दर्द संभाल नहीं होगी, पगला छोड़ा मासूक का गाना पता है। मुस्कुराए तो पीछे गाड़ी आ रहा है आप लोग के लिए। अच्छा चलो चलो ठीक है ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कभी। देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दारू पिए हुए रहते हैं, पहले तो हमको सुनाते हैं फिर गाना सुना के हंसाते हैं। आ रहे थे आप लोग 200 में निकाल दिए हो ऐसा राउंड करके। अरे बाप रे, हम लोग का कैसा फट गया बोलता है। अरे भाई गाना सुना दिया है उसको, पूरे YouTube में डालते हैं। तो देख रहे हो भाई लोग कहाँ कहाँ 130 में कार में आ रहे हैं, पूरा कट वट मार के आ रहा है ये लोमांचु। किसी और का तो भला के बारे में सोच भी, तेरे चक्कर में कार लुढ़क जाता तो। मैं नहीं रे, इधर थे स्कूटी में थे। अच्छा अच्छा, ये मोटा भाई, सॉरी यार गलती हो गया। अपन पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पर। सो गाइस यहाँ से आप लोग व्यू चेक करो, क्या मस्त हरी हरी घास पूरी भरी पड़ी है। और जब बीच में बाइक चलेगी तो क्या ही सीन आएगा गाइस, आज तगड़ा सीन बनने वाला है। तो यार भाई लोग घास चेक कर रहे हो, क्या लोकेशन है यार, ये देखो, चेक द व्यू यार। ऐसा लोकेशन हमारे घर के आसपास का है, पूरा 50 किलोमीटर दूर आना पड़ा बस इस लोकेशन के लिए हमको। और यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है मक्का का खेत है। चलो यहाँ पे बाइक को रोकते हैं और तगड़ा व्यू दिखाते हैं आपको। देख रहे हो क्या लग रही है ना अपनी NS125 इस लोकेशन पे। और यहाँ पे भी 390 का पूरा रील शूट होने वाला है। लेकिन कुछ भी बोलो यार, आज का जो जहाँ पे अपन गए थे ना जो व्यू पे मजा आ गया। और लोकेशन तो गाइस कई खतरा है, एकदम जबराहट। और भाई सामने से उल्टा बैठ के स्कूटी में अपना रील शूट कर दे रहा है फुल गिम्बल में, आईफोन 14 प्रो मैक्स लगा के। एडिटिंग भी भाई तगड़ा करता है एकदम। देख रहे हो बाइक वाला कहाँ घुसा रहा है, रॉन्ग साइड से जा रहा है पूरा। कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। कहाँ से आ रहे हो? चलो हाँ चलो, अच्छे से बैठना ना। चलो यार किसी का तो हेल्प कर दिए।